नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए, आज का प्रेस सम्मेलन का उद्देश्य था कि आज जो अखबार में प्रकाशित हुआ है जो समाचार, उस समाचार के माध्यम से और हमें गुप्त सूचना के आधार पर जनमानस के सामने अपनी बात को मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार से भरोसा उठ चुकी है। आज लगातार बागमारा विधानसभा क्षेत्र में सरकार बनने के बाद लगभग 37 बार जगह जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं के घर में, क्षेत्र के हर विभिन्न जगहों पर 37 बार गोली और बम चलाया गया, जिसमें कई हत्या भी हुई। उसके बाद भी सरकार द्वारा किसी तरह का उचित क्रिमिनल पर एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लेने का मुख्य कारण है कि आज साजिश के तहत हमारी भी हत्या करवा सकती है, और अगर हमारी हत्या या हमारे कार्यकर्ता की हत्या होती है तो इसका फूल जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे और जिला प्रशासन होंगे, क्योंकि जो हमें सुरक्षा मिला था सुरक्षा को हटा लिया गया है। अब मात्र 3 सिपाही दिया गया है, जिसमें हमें विश्वास है कि हमारी सुरक्षा का जो पूरा इंतजाम होना चाहिए वो सुरक्षा नहीं दिया गया, क्योंकि हम इस क्षेत्र में गरीब, शोषित, कमजोर, विस्थापित, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सभी सम्मान मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं, और आने वाला समय में भी हम उसी प्रकार क्षेत्र में दिन रात घूमते रहते हैं और गरीबों लोगों का सेवा करते रहते हैं। और आज इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में आने के बाद, हमारी सारा सुरक्षा को हटा लिया गया है। अगर किसी प्रकार का हत्या या किसी प्रकार की घटना होता तो उसका जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे या जिला प्रशासन होंगे, क्योंकि हमने कई बार लिख के देने के बावजूद भी हमारा सुरक्षा पुनः नहीं दिए। और आज कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पे हत्या हुई कतरास में, उसमें स्पष्ट रूप से जो क्रिमिनल पकड़ाया उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा हत्या करने का साजिश गुल्लू महतो भी था, गुल्लू महतो भी हम हत्या करते हैं। और आज लगातार यहाँ 37 बार गोली बम चलने के बाद भी यहाँ के पूर्व विधायक जनेश्वर महतो का एक भी मुंह से स्टेटमेंट नहीं आया, जवाब नहीं आया कि ऐसे क्रिमिनलों पर कार्रवाई होना चाहिए। जब यहाँ पे किसी तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार था कभी भी कुछ नहीं होता, तो उसके बाद भी बागमारा को आतंकराज का दर्जा दिया गया था, मगर आज 37 बार लगातार गोली और बम चलने के बाद भी जनेश्वर महतो हो या विजय झा जी हो या कोई भी जो विपक्ष के लोग जो हल्ला करते थे, हल्ला मचा कर रखे थे, हाय तोबा करते थे, आज उसके मुंह से जवाब क्यों नहीं निकल रही है, ये क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से क्षेत्र और राज्य की जनता को हम अपनी व्यथा को, अपनी बात को हम रखने के लिए आप लोग आज प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिए। और आज इस क्षेत्र में लगातार हत्या, गोली, बम, ये आम हो चुकी है और एक भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा है। क्रिमिनल नहीं पकड़ाने का मुख्य कारण है कि जो भी क्रिमिनल पकड़ाता है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए रहता है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का वो लोग है या नहीं है, अगर नहीं है तो कार्रवाई होना चाहिए, अगर है तो भी तो कार्रवाई होना चाहिए।